क्या नाम है बेटा तेरा? पांड्या। इधर खड़ा हो जा। कहाँ रहता है पांड्या? मोतियागंज में रहता है। मैं देख रहा था तेरे को बेटा, तू ये उड़ा रहा बड़ी देर से। कितना सामान बेच लिया बेटा ऊपर? 1100 का 1200 का बिक जाता है डेली। 1100-1200 कमा लेता बेटा। बहुत बढ़िया। सदर में जाते हैं, माल लेके आते हैं हम लोग वहाँ। फिर मोतिया खान में आते हैं मम्मी पापा को छोड़ के, फिर सीपी में आते हैं, फिर माल बेच के, फिर रिटर्न खाना खा के इधर से ही मम्मी पापा के पास हो जाते हैं। सुबह आते हैं। मम्मी पापा कहाँ रहते हैं बेटा? मोतिया खान में। अच्छा, तो क्या काम करते हैं वो? वो क्या, वो यही बेचते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे? एरोप्लेन। नहीं, किससे बना होता है ये? थर्माकोल का है। ये बनाता कौन है? ये हम सदर से लेकर। अच्छा, 2000 का 40 ऐसे लेके आ जाते हैं डेली। डेली 1500 कमा के चला जाते हो। सुबह आते कितने बजे हो? सुबह आ जाते हैं 12 या 10 बजे आ जाते हैं। इधर से जाते हैं 11 या 10। 11 या 10। पढ़ाई क्यों नहीं करता बेटा तू? नहीं, हम पहले जाते थे इंडियम सी में। अच्छा, हम कहाँ हनुमान मंदिर का ना प्लेट है, वहाँ हम रहते थे पहले। हमारे बहुत पटरी पे हमारा पूरा परिवार रहता था। अच्छा। वहाँ से सब लोग को हम स्कूल जाते थे ना इंडियम सी में। फिर उसके बाद क्या छोड़ा बेटा? उसके बाद हमारा क्या हुआ, जब हम एक दिन घूमने चले गए थे ना, तो वहाँ से आने के टाइम में ना हमारा स्कूल भी छूट गया, सब छूट गया। अच्छा, कहाँ चले गए थे बेटा? घूमने चले गए थे। अच्छा, बम्बई से आई। परिवार में कौन कौन है बेटा? मेरे पापा है, मेरी दादी है, मम्मी गुजर गई। भाई बहन नहीं है? भाई बहन है। मम्मी कैसे गुजर गई बेटा? मम्मी पुना में गुजर गई। कैसे? वैसे ही ऐसे दारू शराब। अच्छा, दारू शराब से? तो बेटा तू तो नहीं करता दारू वारू? ऐसी चीज नहीं सर करता। मैं खाली एक ही नशा करता हूँ, खाली छेनी। क्या खाता हूँ? छेनी खेनी। छेनी खेनी भी नहीं खानी बेटा आज के बाद। ठीक है। क्या मिलता है बेटा खाने से ये बता? वैसे तो अपना ही नुकसान हो जाता है। नहीं, तू मेरे को सारा सच बता रहा है बेटा, अच्छा लग रहा है मेरे को। ये चैनी खैनी खाने से भी क्या होता है ये बता? सर बहुत नुकसान हो जाता है। फिर क्यों खाता है? देखा ना बेटा, मम्मी गुजर गई। फिर अगर तू छोड़ देगा बेटा, ये तो ना कि तेरे को तू मर जाएगा उसके बिना, तेरे को या फिर खाने के लिए कुछ नहीं पड़े। बहुत सारी चीज़ें खाने के, अंडे भी हैं बेटा, मैगी भी खा सकता है, राजमा चावल भी खा सकता है, बहुत सारी चीज़ें खा सकता है बेटा। वही क्यों खाना ये बता? सर वो कभी कभी खा लेता हूँ। नहीं नहीं खाना, टाइम पास करने के लिए। आज के बाद नहीं खाना? पक्का? प्रॉमिस कर बेटा। प्रॉमिस। पक्का? चल वेरी गुड। अब ये सामान तेरे पास कितना बचा बेटा? ये अभी 10 या 15 बचे, 10 या 8 या। अच्छा, बेचता कितने का? 150 का बेचता बेटा? नहीं, वैसे तो वन जो लाइट वाला रहता है 180 का उसको बोलते हैं। इसका प्राइस है 150। कितना है इसका? लास्ट 150। अच्छा, लास्ट 100 में 120। जो खरीदी है उससे ज़्यादा कम नहीं बेचते, जो मिल रहा है 10-20 रुपये वही कमा। तो चैनी खैनी छोड़ देगा ना पक्का? हाँ, पक्का देख ले। उम्र कितनी है तेरी बेटा? मेरी उम्र सर 18 है। 18 साल का है? ठीक है। नशा तो बेटा कभी करना ही नहीं है। तो अब तेरा मन करता है बेटा पढ़ाई वढ़ाई करने का? हाँ सर, बहुत मन करता है हमारा। वैसे तो हम जाते थे, पर ऐसा ऐसे में ना हमारा स्कूल छूट गया। अच्छा, हमारी एक ही गलती हो गई जाने के लिए, जो जाके चले गए थे ना वही गलती हो गई हमारी। तो अब खाना वाना कहाँ, घर पे जाके खाएगा बेटा? हाँ, अभी तो रात के टाइम धंधा पानी, जब 12 बजेंगे हनुमान मंदिर पे जाएंगे, मोमसी प्लेट के अंदर बैठेंगे, खाएंगे, फिर घर पे रिटर्न। तो बेटा सर्दी इतनी हो रही, तूने कपड़े भी नहीं पहने बेटा? ना सर, मेरा कोट छोड़ के आ गया। हाँ, कोट कहाँ छोड़ के आया? घर पे। ठंडी लगी तेरे को बेटा? आ गया। तेरे को ठंडी लग रही? बड़ा स्ट्रॉन्ग है यार तू, संभाल ले तेरी यार। खाना तूने सुबह खाया था बेटा? हाँ। उसके बाद रात के टाइम, जो टाइम पे खाना रहता है वही। अच्छा, मस्ती वस्ती नहीं करता घर पे, वीडियो गेम वगैरह नहीं खेलता? ऐसे तो मोबाइल है मेरे पास, गेम ये खेल लेते हैं। मोबाइल कौन सा है? नहीं, मेरी दादी के पास। अच्छा, गेम खेलता, कौन सी गेम खेलता है उसमें? सफेद। कौन सी? ट्रिम्पल। अरे भाई साहब।
तो दो जो सबसे समर खेलता है जो पबजी गेम होती है ना वो भी खेली है। वो भी खेली है, कैसी लगी? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मतलब मेन खिलाड़ी तो सबवे उसके अंदर है, क्या नाम है? ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो टाइम पास कैसे करता है घर पे? एक तो गेम खेल के करता है, एक गेम जो टीवी रहती है ना फिल्म में देखते रहता है। फिल्म कौन सी देखता है? कोई सी भी फिल्म लगा दे। कौन सी? मतलब कि सलमान खान की। अरे तेरी भाई साहब, सलमान खान के फैन। मतलब तेरा बेटा अब पूरा दिन निकल गया, तू घर जाने की तैयारी में है। अच्छा तू ये बता रहा था तू क्या नाम है बिग बॉस देखता है, तो ये बता बिग बॉस में जीतेगा कौन? सिद्धार्थ। अच्छा जी, मतलब मैं आज जब वीडियो डालूंगा ना उसमें लिखूंगा कि एक प्यारे से बच्चे ने भविष्यवाणी करी और ये दावे के साथ कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस के विनर होंगे। छोटे ठीक है ठीक है। चल बेटा अब एक काम करते हैं, आप कुछ खाएगा या फिर ये सामान कितने का बेटा? ये वाला ये 150 रुपये का, वैसे सर वैसे तो 100 रुपये में ये दे दे। अच्छा ये बेटा तेरे पास 3 बच्चे हैं? नहीं नहीं और भी। कितने हैं? 7 है। तो मैं तेरे से खरीद लेता हूँ बेटा, तेरी बातें अच्छी लगी मेरे को और तू सच्चा इंसान है और हमेशा सच बोलना है बेटा, कभी झूठ बोलना ही नहीं। झूठ के अलावा कुछ होता ही नहीं। तूने मना भी किया तो चैनी खैनी नहीं खाएगा आज के बाद, ठीक है ना? तो मेरे को तू सारे दे दे बेटा तू, ठीक है? पन्नी यहाँ रख दे, सारे इसमें डाल दे, सारा खरीद रहा हूँ तेरे से मैं, लेकिन एक शर्त पे, चैनी खैनी नहीं खाएगा तू आज के बाद, ठीक है? अब खुशी खुशी कर जाएगा, ठीक है? ले बेटा मैं 500 में ले रहा हूँ तेरे से सारे, दे देगा? दे देगा है? बता पक्का, प्रॉमिस कर, नाराजगी तो नहीं है कोई? पक्का 500 में दे देगा ना सातों? वैसे ज़्यादा के बनते हैं मेरे ख्याल से, बनते 550-600 के बनते हैं, है ना? चलो एक काम कर, थैली उठा, मेरे को कोई भी सामान नहीं चाहिए, ये तेरा गिफ्ट था तेरे को मिल गया। और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना बेटा, हंसते रहना और ऐसे ही बिग बॉस देखता रहे, मस्ती मारता रहे, कभी टेंशन मत ले लाइफ में, ठीक है? एंजॉय कर जिंदगी को। चल बेटा बाय, लव यू।